हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जस्ट उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक को। तो आइए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रीवियस क्लास में ये देखे थे तीन टाइप्स के बॉडी, 1D, 2D और 3D। आज उसी पॉइंट के बॉडी के देखेंगे सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बड़े आराम से देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कॉपी और कलम पर जरूर इसको फेयर करेंगे, ठीक है। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस आज के क्लास 3 मार्क्स कवर कराएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे कि 1D फिगर 2D फिगर का सबसे पहले हीट एंड टाइल मेथड से देखते हैं। 3D फिगर अच्छा नहीं बना, 3D फिगर लग नहीं हुआ, लगने लगेगा। इसको अच्छा से बनाते हैं। ये 3D है, बड़ा आराम से देखिए, ये 1D हो गया, ये 2D लिख देते हैं ना, 1D 2D और ये 3D। तीन टाइप्स के फिगर को हम लोग देखे, 1D 2D और 3D। 1D को बोल रहे थे लीनियर, इसको बोल रहे थे एरियल और इसको बोल रहे थे वॉल्यूमेट्रिक। एक और नाम जाना थे, इसको बोल रहे थे प्लेनर, इसको बोल रहे थे सॉलिड। एक और नाम से बोल रहे थे इसको लेमिना बोल रहे थे, यानी 2D फिगर को लेमिना से भी बोलते हैं। तो बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे कि इस फिगर को हमको बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट के सहारे लेंगे और उसको सीधा सीधी क्या करेंगे, हम बैलेंस करने के लिए कोशिश करेंगे। और जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो गया तो वो पॉइंट उसका हो गया बैलेंसिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग पॉइंट्स तीन तरह का, 1D, 2D, 3D, तीनों ही ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग पॉइंट को ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट इसको हाफ पर मिलता है, इसको बैलेंसिंग पॉइंट इसके आधे हाथ पर मिलता है, और इसकी बैलेंसिंग पॉइंट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं देंगे। एक लाएंगे मासलेस वायर, जिस वायर का मास निगलेजिबल है, बट ऐसा कोई भी वायर नहीं है जिसका मास को निगलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो मास जो वायर लिए हैं उस वायर का मास ना के बराबर है। तो जैसे ही वायर मासलेस वायर लाए और यहाँ पे पकड़ कर आगे पीछे जैसे ही खिसकाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉडी पूरे यूनिफॉर्म से ऊपर उठते चला गया। एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि अगर ये बोर्ड कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड क्यूबॉइड शेप का है, अब इसको यहाँ से पढ़ के उठाएं तो भी नहीं उठ पाएगा, यहाँ से पढ़ के उठाएं तो भी नहीं उठ पाएगा, किसी कॉर्नर से नहीं उठ पाएगा, न किसी एज से उठ पाएगा। सीधा सीधे क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई धागा बांधेंगे, धागा बांधने को उठाएंगे, तो ये पूरी यूनिफॉर्म रूप से ऊपर उठेगा। ऊपर जैसे नहीं उठेगा तो हम लोग ये समझेंगे कि ये इसकी मिल गया बैलेंसिंग पॉइंट, यहाँ पे टोटल वेट जमा हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट टोटल एरिया जमा हो रहा, यहाँ पे लेंथ को डिवाइड कर रहा हाफ में। तो बड़े आराम से समझेंगे कि यहाँ पे भी इस पॉइंट मिला, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, और ये तीनों ही पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट है और तीनों ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसीलिए तीनों ही पॉइंट को बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। कैसा पॉइंट बोलेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट। यहाँ पे भी क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट, यहाँ पे भी क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट। बड़े आराम से देखेंगे कि इस बैलेंसिंग पॉइंट पर क्या हो रहा है, टोटल एरिया कंसंट्रेटेड हो रहा है। ई बैलेंसिंग पॉइंट पर लिखेंगे द पॉइंट, पॉइंट बोले या इमेजिनरी पॉइंट बोले ज्यादा ही बेहतर रहेगा, इमेजिनरी। पॉइंट वेयर
टोटल, वेयर टोटल एरिया, एरिया ऑफ टू डी बॉडी, कैसा बॉडी, टू डी बॉडी इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी टोटल एरिया इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो रहा है, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर टोटल एरिया एक्ट करेगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे 2D के लिए बैलेंसिंग पॉइंट, और वही 2D के लिए बैलेंसिंग पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या हो गया, सेंट्रोइड, क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। बड़ा आराम से देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट है ये 3D बॉडी के लिए, और इस बैलेंसिंग पॉइंट को बोलेंगे द पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट बोलेंगे, द इमेजिनरी पॉइंट वेयर टोटल वेट, वेट ऑफ 3D बॉडी कंसंट्रेटेड, 3D बॉडी, 3D बॉडी इज कंसंट्रेटेड। बड़ा आराम से चीज़ों को समझेंगे कि इमेजिनरी पॉइंट पर अगर 3D बॉडी है, इसके पास उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा इसका मतलब अर्थ के वजह से उसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगा। तो इस ग्रेविटी, जहाँ पे पूरे ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेटेड यानी एक्ट करेगा इस बॉडी का, 3D बॉडी का टोटल वेट जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उस इमेजिनरी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। जिस इमेजिनरी पॉइंट पर 2D बॉडी का टोटल एरिया एक्ट करेगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। अगर वो वन डायमेंशन बॉडी है तो वो डायमेंशन को, अगर उस डायमेंशन को हाफ पर डिवाइड करे तो जिस पॉइंट से डिवाइड होता है, जिस इमेजिनरी पॉइंट से डिवाइड होता है, तो उस इमेजिनरी पॉइंट को बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट, या उसी को बोलेंगे सेंट्रोइड। उम्मीद है सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा इस बॉडी के हेल्प से। तो आइए देखते हैं फिर से सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों ही टाइप्स के बॉडी के लिए देखें, 1D, 2D और 3D। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो हम लोग को यूज करेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे, साइमेट्रिसिटी, कंसेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी, और साइमेट्रिसिटी पढ़ने के बाद हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी फटाफट कॉपी निकालिए और इसको पहले तो छाप लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी। बड़े आसानी से देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी। बड़े आसानी से साइमेट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि साइमेट्री कहने का मतलब क्या होता है। बड़े आसानी से एक छोटा सा फिगर से हम लोग देखते हैं, छोटा सा फिगर से देखते देखते हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फिगर में बढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले एक छोटा सा एक ले लेते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। चीज़ों को ढंग से समझेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहे थे, तो बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे थे, कहीं से ना कहीं से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़े आराम से देख रहे थे कि यहाँ पे एक बात आती है कि कोई ऐसा लाइन मिल जा रहा था ढूंढते ढूंढते कि वहाँ से फिगर को जब कट कर रहे थे तो ये फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तब बड़े आराम से देखेंगे सब फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, कोई कितना भी कर दो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो बस यही बात है कि कौन सा फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन से फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। तो बड़े आराम से देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या कहता है कि अगर कोई फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर, अगर कोई फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर, दो बराबर भाग में काटने पर, वो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए यानी एक दूसरे को ढक ले, क्या कर ले,
ढक ले या वो दो इक्वल पार्ट दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज बने, तब हम उस मटेरियल को, उस पदार्थ को, उस बॉडी को बोलेंगे साइमेट्री बॉडी। क्या बोलेंगे? साइमेट्री बॉडी। और इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी, और इस फिगर को बोलेंगे साइमेट्री फिगर। तो बड़े आसानी से देखेंगे कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के यहाँ से कट किए तो ये रेक्टेंगल की दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट बना ये पार्ट वन और ये पार्ट टू बना, ये पार्ट वन बना और पार्ट टू बना, और इसकी यहाँ से डिवाइड किए कि ये दोनों ही इक्वल पार्ट है, दोनों ही क्या है, इक्वल पार्ट बना। क्या बना? इक्वल पार्ट बना। अब ये दोनों ही इक्वल पार्ट यहाँ से डिवाइड हुआ, अब इसको यहाँ से इक्वल पार्ट है तो ढक लेगा, कोई ऐसा इक्वल पार्ट होगा जो ढकेगा भी नहीं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि दोनों ही इक्वल पार्ट एक दूसरे को ढक ले, दोनों ही इक्वल पार्ट एक दूसरे को ढक ले और साथ ही साथ ये मिरर इमेज बने, तब हम इस बॉडी को बोलेंगे साइमेट्री बॉडी, और इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइमेट्री, लाइन ऑफ, और इसको बोलेंगे साइमेट्री बॉडी, और ये पूरे कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी। तो बोलेंगे लाइन ऑफ साइमेट्री का डिफिनेशन बोलेंगे, द लाइन द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन विच विच divides 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 the figure figure मतलब 1D 2D 3D कोई भी हो सकता, divides the figure into two equal हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स, सच दैट, इस प्रकार डिवाइड करेगा, सच दैट ईच हाफ्स, ईच पार्ट या ईच हाफ्स, ईच हाफ्स मिरर इमेज, मिरर इमेज टू Each other, एक दूसरे को कैसा हो, मिरर इमेज। बड़े आसानी से समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी मतलब कंसेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी, लाइन ऑफ साइमेट्रिसिटी, साइमेट्री बॉडी। हमेशा आपके सीजी सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक में ये चीज परेशान करते रहेगा, बॉडी साइमेट्री है कि बॉडी अनसाइमेट्री है, बॉडी साइमेट्री चेक कैसे करेंगे, ये चीज को थोड़ा हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ साइमेट्रिसिटी को बड़े आसानी से ढंग से समझें। सबसे पहले तो हम देखें कि यहाँ से ये कोई फिगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के यहाँ से डिवाइड किए, कट किए, यहाँ से कट किए, कट करने के बाद क्या हुआ, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और दो इक्वल पार्ट में ऐसा डिवाइड किया कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो, हर एक पार्ट एक दूसरे क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए कि इसका डिफिनेशन लाइन ऑफ सिमेट्री का है कि द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स, ईच हाफ्स मिरर इमेज टू ईच अदर। बड़े आराम से चीजों को समझेंगे कि ये डिफिनेशन आपको कभी सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट इसका कंसेप्ट के यूज करके लगभग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को, डिफिनेशन को इग्नोर करेंगे, लेकिन मेन और बेसिक कंसेप्ट डिफिनेशन से निकलते हैं। तो डिफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी है आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने के लिए। चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये साइमेट्री बॉडी है, तो हाँ यहाँ से रेक्टेंगल काटेंगे तो क्या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, और इसको बोलेंगे कि ये जो कट लगाएं हम लोग, ये किसकी अबाउट लगाएं, किस एक्सिस के डायरेक्शन में लगाएं, तो बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में लगाएं, किस में लगाएं, तो बोलेंगे कि ये जो बॉडी साइमेट्री है वो किसके अबाउट है, एक्स के अबाउट है। इसी बॉडी को अगर हम कट इस टाइप के लगाएं तो बोलेंगे कि इस टाइप से भी जब काटें तो ये भी एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया,
ये भी दोनों इक्वल पार्ट है, ये भी एक दूसरे को ढक लेगा। जैसे ही इसको ढक लेगा तो बोलेंगे कि इससे भी तो सिमेट्री है, तो बोला कि हाँ ये वाई के भी सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई डायरेक्शन में भी सिमेट्री है, यानी दोनों ही डायरेक्शन में सिमेट्री है। और एक और डायगोनली सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, बड़े चीजों को समझिएगा कि डायगोनली सिमेट्री है या नहीं, चीजों को समझिए। जैसे ही इसको यहां से एक दूसरे को कट लगाएंगे तो एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा, डायगोनली नहीं ढक पाएगा, इसीलिए इसमें रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, दो होंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे ये हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम लोग को बस ये पता करना होगा कि अगर कोई फिगर सिमेट्री है कि नहीं, इतना पहचान में आना चाहिए। एक छोटा सा चीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या बनाने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या बना रहे हैं, ठीक है। आधा वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करेंगे, पूरा देख लेंगे तब बताएंगे कि क्या बना रहे हैं। इसको बोलते हैं पीपल वाला पत्ता, ये या पान वाला पत्ता, कुछ भी बोल दो जो लगता है। अब बताइए पान वाला पत्ता को अगर यहाँ से, लिप्स को अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पार्ट एक बना और दूसरा पार्ट ये बना, दोनों ही पार्ट बराबर है, दोनों ही पार्ट क्या है, पार्ट वन भी बराबर है और पार्ट सेकेंड भी बराबर है, दोनों ही पार्ट क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। जैसे ही एक दूसरे को ढक लेगा तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, सिमेट्री है, बॉडी भी क्या है, सिमेट्री हो जाएंगे। जब बॉडी पूरी तरह से यूनिफॉर्म होंगे तब एक कान इधर, एक कान इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक नाक आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, बीच से कटेंगे, सिमेट्री हो जाएंगे, लेकिन सब बॉडी सिमेट्री नहीं होगा। चीज़ों को समझेंगे कि बताइए क्या ये सेक्शन सिमेट्री है, तो बोलेंगे कि हाँ, इसके अबाउट अगर काटेंगे तो आधा इधर एक दूसरे का करेगा, ढक लेगा। तो ये होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। चीज़ों को और अगर समझेंगे तो आप लोग को बताना होगा कि क्या ये सिमेट्री है, तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि यस ये सिमेट्री है। तो बोले सिमेट्री ऐसे, यहाँ से कट करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, तो सिमेट्री। बोले ऐसे कट करने से ढकेगा, तो बोले कि नहीं ढकेगा, इसका मतलब जो सिमेट्री लाइन है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यहाँ सिमेट्री लाइन वाई डायरेक्शन में, यहाँ सिमेट्री लाइन एक्स डायरेक्शन में, यहाँ सिमेट्री लाइन वाई डायरेक्शन में, यहाँ सिमेट्री लाइन। ये बात से क्लियर हुआ कि सिमेट्री लाइन एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, सिमेट्री लाइन वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, सिमेट्री लाइन दोनों ही डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी ओरिएंटेशन, फिगर का रख रखावट कैसा है, उसके अनुसार कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी यानी लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी पता चलेगा कि एक्स में है कि वाई में है। चीज़ों को यहाँ के बाद और एनालिसिस करते हैं तो हमको ये मिलेगा, इरेजर आप लोग जरूर नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी सीजी सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये जो टॉपिक चल रहा है यहाँ जहाँ तक बताया गया वहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ, हालांकि ये टॉपिक ऑफलाइन क्लासेज में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन वाले बच्चे लोग को जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स और भी क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं और आप लोग को बताना है कि ये सिमेट्री है या नहीं, अगर है तो किसके अबाउट है, एक्स के की है कि वाई का। चलिए इस सेक्शन को बोलते हैं एल सेक्शन और बताइए सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ से कट करते हैं तो भी नहीं ढकता, यहाँ से कट करते हैं तो भी नहीं ढकता, यहाँ से कट करते हैं तो भी नहीं ढकता, यहाँ से कट करते हैं तो भी नहीं ढकता, इसका मतलब ना ही ये एक्स का अबाउट सिमेट्री है और ना ही ये वाई का अबाउट सिमेट्री है। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे कि कोई के अबाउट सिमेट्री नहीं है तो इस बॉडी को बोलेंगे अनसिमेट्री बॉडी, क्या बोलेंगे, सिमेट्री बॉडी, या फिगर भी बोल सकते हैं, इसको फिगर ही बोलेंगे, बॉडी नहीं बोलेंगे क्योंकि थ्री डी में तो है नहीं, ठीक है। तो अनसिमेट्री फिगर है। अब बड़ा आराम से देखेंगे कि एक आती है एच सेक्शन, बड़े आराम से चीज़ों को देखेंगे कि एच है, बताइए ये किसके अबाउट सिमेट्री, इसके अबाउट भी सिमेट्री होगा, इसके अबाउट भी सिमेट्री होगा, दोनों को होगा। और एक बताए थे टी, चीज़ों को समझेंगे कि ये जो सिमेट्रिसिटी है ये
बताएंगे कि ये सेमेट्री है, तो बोला कि हाँ है। ये किसके अबाउट सेमेट्री है? एक आता है चैनल। चीजों को बड़े आसानी से समझेंगे। ये चैनल है, देखिए ये एक्स के अबाउट सेमेट्री है, ये वाई के अबाउट सेमेट्री है, किसी के अबाउट सेमेट्री नहीं है, ये दोनों के अबाउट सेमेट्री है। इसका मतलब ये चारों बात से हमको ये प्रूफ हुआ कि हमारे जो बॉडी मिलेंगे वो किसी एक्सिस के अबाउट भी सेमेट्री हो सकता है, चाहे तो वो एक्स के अबाउट होगा, चाहे तो वाई के भी हो सकता है, चाहे तो किसी के भी नहीं हो सकता। बस क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सेमेट्रिसिटी आप लोग को बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि फिगर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा तब उसको हम बोलेंगे सेमेट्री लाइन, और उस फिगर को बोलेंगे सेमेट्री फिगर। तो बड़े आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आगे नेक्स्ट में, बेसिक फिगर का सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम लोग को सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, जितना हो सके उतना हम करेंगे, बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना बताया जाए उतना ज़रूर याद रखेंगे। जो भी दिक्कत होगा वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि हमारे वीडियो में क्या दिक्कत है, बच्चे लोग कितने आ रहे हैं, और सारे जो लोग वीडियो देखेंगे वो ग्रुप जरूर लिखेंगे कौन से ग्रुप को वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे कि अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी खत्म हो गया, अब आते हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम बेसिक फिगर। सी जी यानी सेंट्रॉइड और सेंटर, दिखा पड़ रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका लिखेंगे? सम बेसिक फिगर, कुछ बेसिक फिगर का सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिक फिगर में तीनों ही फिगर के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, 1D, 2D और 3D। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1D फिगर का सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे। तो 1D फिगर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वायर की, हालांकि वायर के एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है आप लोगों की किस्मत बहुत बढ़िया हो तो इसका पूछेगा, लेकिन ये जो बेसिक फिगर बताया जा रहा है उससे तीन ऑब्जेक्टिव जरूर रहेंगे और कंसेप्ट से ही रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग कम से कम जरूर 3 मार्क्स कवर करने के लिए सेमेस्टर एग्जाम में जरूर मेहनत करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 1D फिगर के लिए, फॉर 1D। 1D के लिए पहला देखेंगे वायर। वायर के लिए जो सीजी होता है आप लोग आराम से देखेंगे, ये वायर है, इसकी यहां से अगर पूरे लेंथ को अगर एल मान लिया जाए, अगर इस वायर के पूरे लेंथ को अगर एल मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? एल मान लिया जाए, तो इसकी जो बैलेंसिंग पॉइंट है, इस वायर की जो लेंथ अगर पूरा एल मान लिया जाए तो इसकी बैलेंसिंग पॉइंट जो होगी वो L/2 पर होगी। कहाँ पर होगी? इधर से L/2, तो बोले इधर से कितना होगा? तो बोला कि इधर से भी L/2 पर होगी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि L/2 फ्रॉम CG जो होगी, L/2 फ्रॉम इच एंड। बताइए इसकी ये एंड होगी, ये भी तो एंड होगी, कोई भी एंड होगी, ये भी दोनों में दोनों तो एंड पॉइंट होगी, इस वायर के दोनों ही एंड पॉइंट होंगे ना। तो बोले कि L/2 फ्रॉम इच एंड, यहाँ से भी नापेंगे तो L/2 पर ही सीजी होगा, क्योंकि पूरा लेंथ है, तो इधर से भी नापेंगे तो L/2। तो बोले सर वायर का, चाहे वो किसी टाइप्स का वायर हो, तो वायर का अगर बात किया जाए तो L/2 फ्रॉम इच एंड। पर आराम से देखेंगे कि यहाँ से अब आती है थोड़ा सा 4D फिगर। फॉर 2D फिगर के लिए बात किया जाए, देखिए ये सब याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही लेक्चर अगर कंटिन्यू देखेंगे तो हम याद करने का तरीका भी बता देंगे, बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी की बेस पर हम लोग बताते जाएंगे और उसको याद करते जाएगा, हालांकि ये बुक में भी लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ देखने से आपको पता चलेगा कि याद रखने का तरीका जल्दी से कैसे याद करें वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय तक। उसके बाद आप लोग को आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात किया जाए तो बताइए रेक्टेंगल के लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे, अगर ये रेक्टेंगल है तो उसकी 2 डायमेंशन होंगे, बताया गया है, तो बताइए एल होगा और क्या होगा? बी होगा। तो बताइए, तो अगर इसकी सीजी है तो ये वाला पॉइंट को सीजी बोल रहे हैं, बैलेंसिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तो चीजों को समझिए,
कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, तो बताइए इधर से कितना होगा, एल बाई टू होगा, और इधर से कितना होगा, बी बाई टू होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एल बाई टू फ्रॉम लेफ्ट एंड बी बाई टू फ्रॉम बॉटम। अगर इधर से अगर बात किया जाए तो ये लेफ्ट हुआ और ये हो गया इसकी बॉटम। तो हम बोलेंगे कि इसकी अगर सी जी के बात किया जाए, रेक्टेंगल के सी जी फॉर रेक्टेंगल के बात किया जाए, तो एल बाई टू फ्रॉम लेफ्ट एंड बी बाई टू फ्रॉम राइट। बड़े आराम से देखेंगे कि सॉरी राइट नहीं बॉटम। चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे कि इधर से एल बाई टू है तो बताइए राइट से भी तो एल बाई टू होगा, जब बॉटम से बी बाई टू है तो बोले टॉप से भी तो बी बाई टू होगा। इसका मतलब एल बाई टू फ्रॉम लेफ्ट या एल बाई टू फ्रॉम राइट दोनों ही सही है, बी बाई टू फ्रॉम बॉटम या बी बाई टू फ्रॉम टॉप दोनों ही सही है। एक बात और आती है कि दोनों ही जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे भी इसकी सी जी लाइज करेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। एक पॉइंट और आती है इंटरसेक्टिंग जहां पे इसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगी, इसकी सेंट्रॉइड होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है, हम लोग सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुक में हमेशा मिलेगा, तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोग के लिए। सारे फियर का सीजी ही लिखेगा जनरली बुक, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस था वो बता दिया गया है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक फिगर अपन क्लियर किया, नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। वो फिगर आपके आएगा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर में तो यूनिफॉर्म ही होगा मैं एल बाई टू या ए बाई टू फ्रॉम इच साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर की बताने की जरूरत नहीं है, आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल हो गया ना, ट्रेंगल आती है ना, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल में बहुत टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं ना। सबसे पहले तो ऐसा टाइप्स के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल। चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये होंगे हाइपोटेनस, यहाँ से ये होंगे बेस और ये होंगे हाइट। तो बड़े आराम से देखेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ एच बाई थ्री होता, इसकी जो होती है यहाँ से यहाँ एच बाई थ्री, यहाँ से यहाँ होगा बी बाई थ्री, यानी इसकी सेंट्रॉइड यहाँ पे लाइज करता है, यानी एच बाई थ्री फ्रॉम हाइट, फ्रॉम अगर इसको लेफ्ट माने, इस हाइट को अगर लेफ्ट माने तो फ्रॉम लेफ्ट एंड बी बाई थ्री फ्रॉम बॉटम यानी बेस। चीजों को समझिए कि एच बाई थ्री फ्रॉम लेफ्ट एंड बी बाई थ्री फ्रॉम बॉटम, तो बताइए कि यहाँ टॉप से कितना होगा और यहाँ से कितना होगा। तो बताइए ये पूरा यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, बी है। तो चीज़ों को समझिए, यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ बी बाई थ्री है, तो आप लोग को कटाओ तो आता है सब्ट्रैक्ट, यहाँ से टू बी बाई थ्री, यहाँ से टू एच बाई थ्री। तो आप कहीं से बता सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ अगर सिंपली यहाँ से यहाँ पूरा एच है, हाइपोटेनस को एच नहीं लेंगे, हाइपोटेनस को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये हाइट को एच माने तो बताइए कि यहाँ से इतना है, बताइए टॉप से कितना होगा, तो बोले टू एच बाई थ्री फ्रॉम टॉप। तो बड़ा आराम से ये ट्रायंगल के बारे में जाने। एक आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसमें इच साइड्स इक्वल होते हैं, तो इच साइड्स इक्वल होंगे तो बताइए, तो इसकी जो अगर बॉटम से बात किया जाए, यहाँ से बात किया जाए, अगर ये पूरा हाइट h है, यहाँ से अगर इसकी ये हाइट h है तो यहाँ से क्या होगा, h बाई थ्री पर होगा। और यहाँ से जो एक बात आती है, अगर ये पूरा हाइट h है, अगर इस
की साइड ए है तो एच तो निकालना पड़ेगा ना। चीजों को समझिए कि एच ये पूरा हाइट है तो बॉटम से एच बाई थ्री होगा, एच बाई थ्री फ्रॉम बॉटम। ये सब क्या निकल रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर एच बाई थ्री पॉइंट पर क्या होगा, इसकी सीजी होगी। चीजों को समझिए थोड़ा सा कि ये बॉडी सेमेट्री है या नहीं, तो बड़े आराम से देखेंगे कि ये बॉडी सेमेट्री है। क्या है, इधर से भी सेमेट्री होगा, इधर से भी सेमेट्री होगा, इधर से भी सेमेट्री, सेमेट्री मतलब ओवरलैप कर। तो बताओ सी जी वहाँ पर लाइज करेगा जहाँ पे सेमेट्री लाइन होगा, बताओ सेमेट्री लाइन की पर ही कहीं ना कहीं सी जी लाइज करेगा। तो यहाँ पे तीन सेमेट्री लाइन है तो तीनों ही सेमेट्री लाइन जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं तो वहीं पे इसकी सी जी लाइज करती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सी जी लाइज करेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। ये तीनों डायगोनल जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इसकी सी जी होगी, सॉरी डायगोनल नहीं मीडियन, ये तीनों ही मीडियन यहाँ पे कट करेंगे वहां पे क्या होगी इसकी सी जी लाइज करेगा। ये एग्जाम में पूछा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सी जी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कहाँ पे लाइज करता है, तो चार ऑप्शन दिए गए थे वहां पे। एक ऑप्शन ये था कि क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल भी था, सॉरी डायगोनल नहीं, बार बार डायगोनल बोला जा रहा है, मीडियन, क्या मीडियन। तो ये ट्रायंगल में जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा सी जी लाइज करेगा। तो उम्मीद है कि फिर से एक बार रिकॉल करते हैं जितना बताए हैं उतना। सबसे पहले वायर का सी जी एल बाई टू फ्रॉम इंड या इच इंड बोल सकते हैं, इसका एल बाई टू फ्रॉम लेफ्ट और बी बाई टू फ्रॉम बॉटम। यहाँ से देखें एच बाई थ्री फ्रॉम बॉटम, इधर से भी देख लिए, यहाँ पे देख लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। चीज़ों को समझेंगे कि रेक्टेंगल में जहाँ भी आएगा रेक्टेंगल से यही बोलेंगे कि आधे आध पर लाइज करता है, इस डायमेंशन के आधा पर, कहाँ पे आधा पर। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए घर में जा करके, ट्रायंगल में देख लीजिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच बाई थ्री फ्रॉम बॉटम और टू एच बाई थ्री फ्रॉम टॉप। लेफ्ट से देखेंगे तो बी बाई थ्री फ्रॉम लेफ्ट एंड टू बी बाई थ्री फ्रॉम राइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेमेट्री होगा, सेमेट्री होगा तो सेमेट्री लाइन पर ही सीजी लाइज करेगा। तीन सेमेट्री लाइन देखने को मिलेगा तो तीनों ही सेमेट्री लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे उसकी सीजी होगी। या यू बोल सकते हैं सेमेट्री लाइन ही मीडियन होते हैं, क्या होते हैं सेमेट्री लाइन ही मीडियन होते हैं, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा सीजी होंगे। तो आज का क्लास इतना ही, उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़रूर करें, और आप लोग घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाय बाय।